Guys, welcome to my YouTube channel, Madan Thakur Wines. वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मदन ठाकुर वाइन्स। तो गाइस, आज की वीडियो में ले जा रहे हैं हम आपको भीमा काली मंदिर सराहण, जो कि रामपुर से पड़ता है 40-45 किलोमीटर की दूरी पे। तो अभी सुबह का वक्त है, तो हम तैयार होके सीधा ही निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। तो इस टाइम हूँ अभी मैं रामपुर नोगली में, क्योंकि मैं यहाँ से बीएड कर रहा हूँ। तो हमने प्लान बनाया था कि हम भीमा काली माता सराहन जाएंगे। तो चलिए आपको भी इस वीडियो में दिखाएंगे, मंदिर दिखाएंगे और वहाँ की हिस्ट्री और वहाँ की खूबसूरती आपको भी दिखाएंगे वहाँ की खूबसूरती। तो चलिए सीधा ही चलते हैं, अभी हम बस का वेट करेंगे, बस में जाएंगे वहाँ तक। तो चलिए आगे आगे देखते हैं कि क्या होता है। रामपुर के लिए हमें यहाँ से बस मिल चुकी है, वो उधर से आ रही है बस। वेटिंग है। देखिए ओल्ड वेस्टर्न, और ये लेके यहाँ पे बस, तो इसी बस में जाने वाले हैं हम सराहन पे। ये हमारे मित्र का बता और लड़ी मैची बोला और धूम बोला दस लड़की तो ये है रामपुर का न्यू बस स्टैंड। ये बस लगी है यहाँ पर, चल पड़े हैं रामपुर से सराहन की ओर। तो दोस्तों, ये निकल पड़े हम सराहन की ओर। तो सराहन की दूरी है लगभग रामपुर से 40 किलोमीटर। तो ये पहुंच चुके हैं ज्यूरी में। तो एक रोड जाता है किन्नौर को, तो एक रोड जाता है सराहन को। ये निकल पड़े हैं ज्यूरी से सराहन की ओर। तो ज्यूरी से सराहन की दूरी है 17 किलोमीटर। और ये ITBP वालों का एरिया, तो यहाँ पर हेलीपैड भी। ये सराहन में पहुँच चुके हैं हम। तो गाइस, पहुंच चुके हम फाइनली सराहन में। नींद पूरी नहीं हुई है, बस से अभी उतरे हैं और नींद से। और पीछे मंदिर का नज़ारा, और इस तरफ लेकर चलेंगे आपको थोड़ी ही देर। ये सराहन का बस स्टैंड और पीछे वादियाँ अपने फ्रेंड्स। और ये मंदिर की ओर प्रस्थान करते हुए, सो गाइस, आप ये देख सकते हैं, ये सराहन के टेम्पल के अंदर यहाँ से जाते हैं, और ये देख सकते हैं आप। गाइस, पहुँच गए हम फाइनली सराहन में, भीमा काली माता सराहन। आप देख सकते हैं, ये है मेन गेट यहाँ का। ये साथ में हमारे साथ डीआर ब्रो, चलो।
मजा आते हैं। फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं, ये मेन गेट जिसमें हम ये एंटर करेंगे। ये दोस्तों भीमा काली माता का मंदिर है, तो यहाँ पर अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो यहीं तक यहाँ से आगे फोन लेने जाना अलाउड नहीं है। मंदिर का दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है आज, तो सारा पहला दिन बोल सकते हैं। नवरात्रि भी यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं, तो इस शुभ दिन घड़ी पे यहाँ पर आए हैं, तो हमारी कुछ मनोकामनाएं भी हैं पूरी हो जाए तो। हमारे एक कैमरामैन को देखिए, हमारे कैमरामैन और ये देखिए मंदिर के पीछे हमारे चौकीदार जी। तो अब यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? यहाँ आपने नए वर्ष पे क्या मांगा है भीमा काली माता से? आपने भीमा काली माता से मांगा है भाई मेरा जो मेरी जो ये साल है आने वाली ना, जो हमारी वो अच्छी जाए, उसमें हम खुले खुशी से खुले भाई, जो हमारी मनोकामना है वो पूरी हो। ये तो मैं भी इसी नज़रिए से यहाँ आया था कि साल का पहला दिन है, तो पहले दिन में मी माता के दिन आए हैं, तो ये है मतलब कि आज क्या है नवरात्रि भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसी के उपलक्ष में हम यहाँ पर भीमा तो गाइस चल पड़े हम वापसी की ओर मंदिर से। अभी हम दर्शन करके आए थे यहाँ से, तो अभी बैठ चुके हैं हम यहाँ खाना खाने, भूख आ चुकी है, 10 बज चुके हैं, तो अभी भी यहाँ एक होटल में बैठे हैं खाना खाने, तो बहुत भूख लग रही है। उसके बाद फिर से घूमेंगे और फिर से आपको वीडियोस दिखाएंगे, व्यू दिखाएंगे अच्छे वाला, तो चलिए हम भी रोटी खा लेंगे। सरहान मार्केट है भाई साहब, यो सिले सब सालिन जुने एता हो दिन त्यो सबे सो भेटे कम से कम 40 पेटी हो मैक्स नम्बर 40 त भाग्य सब पजाब निकले तो बारा बाला से होले लवरिंग मोटे वाले एक और बारा पोर लो 50 पेटी वाला अपने ये 100 में पेड़ होता 100 पेटी पूरी पूरी और परे मुने ये जो थोड़ी तो 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 तै मुने एको भेज तेरा एक चन्नी यार हम पण मुने डेढ़ सोती थी दी खाना पीना सब कुछ वही। अब हम यहाँ से जा रहे हैं ऊपर की ओर, तो यहाँ है राजा वीरभद्र सिंह का
घर, और ये देखिए राजा साहब के घर के आसपास का एरिया। तो यहाँ से ऊपर हम जाएंगे अभी क्रिकेट ग्राउंड, और उसके बाद जाएंगे हेलीपैड। इस टाइम यहाँ पर ट्रॉफी का आयोजन किया गया है। देखिए नीचे सांड का व्यू, और यहाँ आए हम हेलीपैड में अपने दोस्त, और ये देखिए हेलीपैड उधर, सांड का हेलीपैड बहुत ही खूबसूरत, और उधर पानी की व्यवस्था। और ये देखिए, हाँ नीचे से थक गए बहुत, इतना दूर तो नहीं है बट गर्मी लग रही थी, और सुबह से घूम रहे हैं, मजे आ रहे हैं बहुत ही ज्यादा। और किसी दिन मैं लाऊंगा यहाँ पर अपना हेलीकॉप्टर, अपना हेलीकॉप्टर लैंड करेगा हमें। ये देखिए अपने उस्ताद जी, गालने वाले उस्ताद को लाएंगे हम यहाँ हेलीपैड के ऊपर, हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड कराएंगे। भाई यहाँ हो चुके हैं हमको एक घंटा बैठने का, और व्यू भाई इतना जबरदस्त व्यू आ रहा है ना सामने का, सामने वाला भाई लगता है कि जन्नत में पहुंच गए, वैसी फीलिंग आ रही है यहाँ से। और देखो ऐसे सो रहे हैं, और आगे का व्यू जो कि कैमरे में नहीं दिखेगा, रियलिटी में अब आप यहाँ आओगे ना, आप बोलोगे वाह मैं तो यहीं रह लूँगा पूरी ज़िंदगी भर, ऐसी फीलिंग आती है। और सामने का व्यू तो क्या ही बोले है ना भाई लोगों। चलो थोड़ा सा आपको भी आगे का व्यू दिखाएंगे ज़रा।